गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर 5 में नेचुरल रबर, और नेचुरल रबर को हम लोग कैसे बनाते हैं, और टाइप्स ऑफ रबर भी हमने देखा था कि रबर आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। और नेचुरल रबर के प्रोसेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल रबर, उसमें हम लोगों ने देखा था कि नेचुरल रबर इज यूजलेस एज प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड विच इज 24 कैरेट गोल्ड इज नॉट यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट इज सो सॉफ्ट। एंड नेचुरल रबर भी उतना ही सॉफ्ट है जितना की प्योर गोल्ड। अब नेचुरल रबर का ड्रॉबैक हम लोगों ने पहले वाले क्लास में देखा था कि ये समर के सीजन में सॉफ्ट और स्टिकी हो जाता है, इसका वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी लार्ज है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है, और ये बहुत ही कमजोर है, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से अफेक्टेड भी है। लेकिन नेचुरल रबर में जब इतने सारे ड्रॉबैक है तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों को देखना है। यदि हमारे पास नेचुरल रबर ही है तो हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, तो इस नेचुरल रबर के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वल्कनाइजेशन करेंगे। नेचुरल रबर के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग वल्कनाइजेशन करेंगे, इस रबर का, नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन हम लोग करेंगे। इस वल्कनाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे नेचुरल रबर का प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाता है और वो मोर यूजफुल हो जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वल्कनाइजेशन के विषय में किस साइंटिस्ट ने जानकारी दी थी, तो वल्कनाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स इन 1839 ईस्वी में चार्ल्स ने इसके विषय में हम लोगों को बताया था। और इस वल्कनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वल्कनाइजेशन प्रोसेस में हम नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं, और टेम्परेचर कितना रहता है तो 100 टू 140 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच नेचुरल रबर इज हीटेड विथ सल्फर एट 100 टू 140 डिग्री सेल्सियस। व्हाट हैपेंस आफ्टर हीटिंग, हम लोग देखेंगे कि गर्म करने के बाद क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये टू मॉलिक्यूल्स है आइसोप्रीन का, ये आइसोप्रीन का टू मॉलिक्यूल्स है, और इसको हम लोग सल्फर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और ये टेम्परेचर है 100 टू 140 डिग्री सेल्सियस जहां हम लोग हीट कर रहे हैं इसे सल्फर के साथ। जैसे ही हम लोग सल्फर के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों आइसोप्रीन यूनिट के बीच में, दोनों आइसोप्रीन यूनिट में जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सिंगल बॉन्ड में, और इसी सिंगल बॉन्ड से सल्फर अटैच हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो सल्फर एटम यहाँ पर अटैच हो गया है, और ये कैसे अटैच हो गया है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में आया है और सल्फर अटैच हो गया है। जैसे ही सल्फर अटैच हो गया है, वल्कनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिस इज द वल्कनाइज्ड रबर। ये वल्कनाइज्ड रबर में आप देखेंगे कि रबर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, रबर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों से ही सल्फर अटैच्ड हो गया है। दैट मीन्स ये सल्फर अटैच्ड होकर क्या करता है, इंटरमोलिकुलर मूवमेंट को रोक देता है, इंटरमोलिकुलर मूवमेंट को रोक देता है। अब नेचुरल रबर में जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा था, लेकिन वल्कनाइजेशन के बाद जब ये सल्फर अटैच हो जाता है इस आइसोप्रीन यूनिट से, तब क्या होता है, इलास्टिसिटी कम हो जाता है, इसका स्टिफनेस बढ़ जाता है। दैट मीन्स नेचुरल रबर जो सॉफ्ट था वह स्टिफ हो जाता है, उसमें कठोरता का गुण आ जाता है। क्यों कठोरता का गुण आता है, क्यों ये स्टिफनेस का प्रॉपर्टी आता है, क्योंकि पहले जब ये दोनों अलग अलग था तो ये फ्रीली मूव कर रहा था, लेकिन सल्फर से अटैच हो गया है, सल्फर बीच में
दोनों को बांध कर रख रहा है। अब जैसे सल्फर से अटैच हो गया है तो क्या हुआ है, इसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है। और इलास्टिसिटी क्यों कम हो गई है, क्योंकि जब सल्फर अटैच्ड नहीं था तो इस नेचुरल रबर के जो आइसोप्रीन यूनिट्स हैं ये फ्रीली मूव करते थे, लेकिन जब ये सल्फर के साथ बंध गए हैं तो ये फ्रीली मूव नहीं करेंगे, इनका मूवमेंट बंद हो गया है या पहले से कम हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सल्फर नेचुरल रबर के स्टिफनेस को बढ़ा देता है। तो वल्कनाइजेशन के बाद रिजल्ट क्या है, सल्फर कम्बाइंस विथ डबल बॉन्ड ऑफ डिफरेंट रबर स्प्रिंग एंड प्रोवाइड क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग आप यहाँ देख रहे होंगे, क्रॉस लिंकिंग हमको कहाँ मिला था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्रॉस लिंकिंग मिला था। वैसे ही यहाँ पर सल्फर दो आइसोप्रीन यूनिट के बीच में कंबाइन होकर क्रॉस लिंकिंग का फॉर्मेशन करता है, और यह क्रॉस लिंकिंग क्या करता है, स्टिफनेस को इम्प्रूव करता है और इंटरमोलिकुलर मूवमेंट्स को बंद कर देता है, इंटरमोलिकुलर मूवमेंट्स को बंद कर देता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वल्कनाइजेशन के बाद रबर जो हमको मिलता है वो स्टिफ रबर है, स्टिफनेस उसमें बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक बात आती है सामने उभर कर कि ये सल्फर का अमाउंट क्या होगा, सल्फर का कितना अमाउंट हम ऐड करेंगे तो स्टिफनेस पर क्या इफेक्ट होगा। जैसा हम लोग यह कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सल्फर जितना हम इंक्रीज करेंगे स्टिफनेस उतना ही अधिक होगा, दैट मीन्स स्टिफनेस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्फर विच इज यूज्ड। आपने देखा होगा कि रबर का डिफरेंट एग्जांपल, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टायर देखते हैं, टायर जो हम लोग व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं, कार में, साइकिल में, बाइक में, ये सब टायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो टायर में जो हम लोग यहाँ पर जो स्टिफनेस रहता है, और बैटरी का केस, इन्वर्टर का बैटरी होता है ना, बैटरी का केस होता है, वहाँ भी हम लोग रबर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने ध्यान से देखा होगा कि बैटरी का केस में जो रबर है और टायर में जो रबर है, टायर वाला रबर सॉफ्ट है इन कंपैरिजन टू द बैटरी का केस वाला रबर। तो बैटरी का केस वाला रबर हार्ड है और टायर का रबर क्या है, क्या है स्टूडेंट, सॉफ्ट है, टायर का रबर सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट यह बताता है कि टायर में सल्फर का अमाउंट कम है और बैटरी के केस में सल्फर का अमाउंट ज्यादा है। टायर में जो हम लोग सल्फर का यूज करते हैं वो मोस्टली 4-5% रहता है, लेकिन जब बैटरी के केस में हम लोग, बैटरी के केस में हम लोग जो हम लोग सल्फर का यूज करते हैं वो 30-40% सल्फर रहता है। दैट मीन्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्टिफनेस इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सल्फर। तो ये सल्फर जो है मेनली स्टिफनेस को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर को वल्कनाइज करके हम लोग रबर जो पहले सॉफ्ट था, नेचुरल रबर जो सॉफ्ट था, उसको हम लोग हार्ड बनाते हैं। और वल्कनाइज्ड रबर, जो वल्कनाइज्ड रबर हो गया, इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज डेवलप हो गया, जैसे ही हम रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टीज डेवलप करता है, तो हम लोग देखेंगे कि रबर का वल्कनाइजेशन करने के बाद पहले जो टेंसाइल स्ट्रेंथ लो था ये हाई हो जाता है, दैट मीन्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। वल्कनाइज्ड रबर का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, वल्कनाइज्ड रबर का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि पहले रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, केमिकल रिएक्शन, ये सब रेसिस्टेंस इसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पहले जो नेचुरल रबर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अफेक्टेड था, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सॉल्युबल था, लेकिन जैसे ही रबर का वल्कनाइजेशन हमने कर लिया तब अब यह इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से
कोई अफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो वल्कनाइजेशन करने के बाद रबर का प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो जाता है और ऐसे वल्कनाइज्ड रबर को हम कई जगह इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। वल्कनाइज्ड रबर का यूज में आपने देखा कि टायर, डिफरेंट टाइप ऑफ टायर, जो कि साइकिल हो, बाइक हो, व्हीकल हो, फोर व्हीलर हो, इन सभी में हम लोग टायर का यूज जो करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द वल्कनाइज्ड रबर। मशीनरी वर्क्स में भी जो मशीनरी पार्ट्स मेटल का रहता है, ये दो मशीनरी पार्ट के बीच में यदि हमको वाइब्रेशन को रिड्यूस करना है तो वहां भी हम लोग वल्कनाइज्ड रबर का ही यूज करेंगे। दोनों के बीच में, दोनों मशीनरी पार्ट के बीच में हम लोग वल्कनाइज्ड रबर दे देंगे और वल्कनाइज्ड रबर को सैंडविच्ड कर देने से जो मशीनरी पार्ट के कारण वाइब्रेशन होने वाला है वह वाइब्रेशन नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस वल्कनाइज्ड रबर का बहुत सारा यूज है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जस्ट सिंथेटिक रबर एंड डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ही पढ़ेंगे, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट टॉपिक है कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ओके, थैंक यू।